मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। टुडे वी विल रीड इंग्लिश चैप्टर नंबर 13, अलादीन एंड द मैजिक लैम्प पार्ट 2। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमने रीड किया था कि एक बॉय होता है, उसका नेम होता है अलादीन, और उसे एक स्ट्रेंजर एक मेन होल में डाल देता है उसे, तो वहाँ पर उसे एक लैम्प मिलता है और उसके थ्रू एक जिनी अपेयर होता है। फिर वो अपनी मदर को भी ये बताता है, वो जिन्हें अपेयर होता है उनसे बोलता है कि आप अपने बोलो कि क्या विशेष हैं। वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, वो दोनों एकदम सरप्राइज हो जाते हैं उसको देखकर, और वो चुपचाप देखते रहते हैं उसको। तो आगे क्या होता है उसको ही हम इस सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहे हैं। आई एम योर ओबीडियंट सर्वेंट, मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूँ। टेल मी वॉट यू वॉन्ट, मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो। रिपीटेड द जिनी, जिनी ने दोहराते हुए कहा। अलादीन सेड सॉफ्टली, अलादीन नम्रता से या धीरे से बोला, ब्रिंग अस अ लवली मील, क्योंकि वो बहुत पुअर थे, कभी अच्छा सा खाना भी नहीं मिल पाता था उनको। तो वो बोलता है कि हमारे लिए लवली मील लेकर आओ, अच्छा खाना लेकर आओ। एंड फ्रॉम दैट डे, और उस दिन के बाद से, यानी कि उस दिन से, दियर पुअर डेज वर ओवर, उनके जो है गरीबी के दिन खत्म हो गए थे। अलादीन एंड हिज मदर हैड एवरीथिंग दे कुड विश फॉर, अलादीन और उसकी माँ के पास वो सब कुछ था जिसकी उनको इच्छा थी, फूड, क्लोथ्स एंड अ फाइन होम, कि उनके पास अच्छा खाना, कपड़े और एक अच्छा घर था, मिल गया था उनको। द जिनी ग्रांटेड दैम एवरीथिंग दे आस्क फॉर, जिनी उनको वो हर चीज़ दे देता था जिसको भी वो चाहते थे, वो जो भी पाना चाहते थे वो जिनी उनको दे देता था। द टाइम पास हैप्पीली, इस तरीके से समय जो है बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। अलादीन ग्रू इन टू अ टॉल हैंडसम अ यंग मैन, अलादीन धीरे धीरे बड़ा होता गया, और वो जैसे ही बड़ा होता गया तो वो हैंडसम और यंग मैन बन गया। एंड हिज मदर फेल्ट, और उसकी माँ ने महसूस किया, दैट इट वॉज टाइम टू गेट हिम अ वाइफ, कि ये समय हो गया कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, इसके लिए इसकी वाइफ ले आनी चाहिए। वन डे अलादीन सॉ द सुल्तान्स डॉटर हलीमा, एक दिन अलादीन ने सुल्तान, जो वहाँ का जो किंग था ना, सुल्तान जिसे बोलते हैं, तो वहाँ के सुल्तान की बेटी को देखा, हलीमा। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, वह बहुत सुंदर थी। दैट ही फॉल इन लव विद हर, तो उसको पसंद करने लग गया। आई गो एंड आस्क द सुल्तान फॉर हिज डॉटर्स हैंड, मैं जाऊँगी और राजा से, सुल्तान से, उसके बेटी का हाथ मांगूँगी इसके लिए, अलादीन के लिए। एंड हिज मदर व्हेन ही टोल्ड हर अबाउट इट, जब उसकी उसने अपनी माँ को इसके बारे में बताया, तो उसकी माँ ने कहा कि मैं राजा के पास जाके, सुल्तान के पास जाके, उससे अपनी उसकी बेटी का हाथ मांगूंगी तुम्हारे लिए। शी अराइव्ड एट द पैलेस विद पॉट्स फुल ऑफ डायमंड्स फॉर सुल्तान, वह महल में पहुंची सुल्तान के पास में डायमंड यानी कि हीरे जवाहरातों से भरे हुए बर्तन लेकर, और महल में पहुंची। बट द सुल्तान सेड, लेकिन सुल्तान ने कहा, इफ़ अलादीन वांट्स टू मैरी हलीमा, यदि अलादीन हलीमा से शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, ही मस्ट सेंड मी 50 स्लेव्स ईच कैरिंग अ बॉक्स ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, तो उसे मेरे लिए 50 स्लेव्स यानी कि 50 सर्वेंट जिसे बोल सकते हैं, नौकर, दास जो हो सकते हैं, वो भेजने होंगे साथ में उनके सभी के पास में, जिनके हाथों में 50 होने चाहिए, वो 50 के हाथ में बॉक्स होने चाहिए, कीमती पत्थर होने चाहिए, बेशकीमती स्टोन्स के साथ होने चाहिए वो। ऑल्सो ही मस्ट बिल्ड अ स्प्लेंडेड पैलेस फॉर हर, और साथ ही साथ उसे एक शानदार महल भी बनाना होगा उसकी बेटी के लिए या राजकुमारी के लिए। शी इज़ नॉट यूज टू लिविंग इन अ स्मॉल हाउस, कि वो छोटे घर में रहने की आदी नहीं है, क्योंकि वो प्रिंसेस है ना, इसलिए उसे एक शानदार महल चाहिए। व्हेन अलादीन हियर्ड द डिमांड, ही टोल्ड द जिनी ऑफ द लैम्प अबाउट द सुल्तान्स डिमांड, जब अलादीन ने ये सभी डिमांड्स को सुना, तो उसने जो चिराग का जिन था उसको सुल्तान की सारी डिमांड्स के बारे में बताया। द जिनी क्लैप्ड द हैंड्स, जिनी ने जो था उसने ताली बजाई अपने हाथों से। एंड इन नो इंटेंस द 50 स्लेव्स द बॉक्स ऑफ ज्वेल्स एंड द प्लेस सॉरी द पैलेस ऑल अपीयर्ड, और बिना समय गवाए वहाँ पर 50 दास आ गए यानी कि नौकर सर्वेंट्स आ गए, जवाहरातों से भरे हुए बॉक्स मिल गए, और वहाँ पर
प्लेस वो उसी जगह पर वहाँ पर महल भी दिखाई दे गया, यानी कि महल भी बन गया। द वेडिंग टुक प्लेस विद लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, शादी बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई गई, यानी क्योंकि इसने राजा की सभी जो डिमांड थी सारी फुलफिल कर दी थी, तो उसके से हलीमा से शादी हो गई। विद ऑल दिस, इस सब के साथ में अलादीन बिकम वेरी फेमस, तो ये सब चीज़ें हुई कि भाई प्रिंसेस से मैरिज भी हो गई उसकी, और इतना वो उनके पास इतना पैसा भी हो गया, उसके पास पैलेस भी हो गया अच्छा सा, तो अलादीन बिकम वेरी फेमस, अलादीन जो है बहुत ही फेमस हो गया, मशहूर हो गया। एवरी वन हर्ड ऑफ हिज वेल्थ एंड फॉर्चून, सब उसकी किस्मत और उसके पैसे के बारे में सुना सभी किसी ने। द स्ट्रेंजर ऑल्सो हेयर्ड अबाउट इट, जो वो अजनबी था उसने भी उसके बारे में सुना। ही ड्रेस्ड एज अ मर्चेंट केम टू अलादीन हाउस, तो उसने मर्चेंट का यानी कि व्यापारी का सा ड्रेसअप कर लिया, उसने अपने आप को चेंज कर लिया व्यापारी के रूप में आके, और अलादीन के घर के वहाँ आ गया। ही कॉल्ड द प्रिंसेस, उसने राजकुमारी का आवाज़ लगाई। ओल्ड लैम्प्स फॉर न्यू, जो पुराने चिराग हैं उनको नया करवा लो। अलादीन हैड नेवर टोल्ड हलीमा द सीक्रेट ऑफ द लैम्प, अलादीन ने जो हलीमा को चिराग के राज के बारे में कुछ नहीं बताया था उसके सीक्रेट के बारे में। एंड सो अनोइंगली द प्रिंसेस फेस द ओल्ड लैम्प, तो अनजाने में वो प्रिंसेस जो है वो पुराने चिराग को ले आई। एंड गेव इट टू द मर्चेंट, और उसने उसे मर्चेंट को दे दिया इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू, नए के बदले में कि नया ले लो, उसने कहा था ना पुराने को देखो नया ले लो, तो उसने एक्सचेंज में ले लिया, बदला ले लिया। शी एक्चुअली वॉन्ट टू सरप्राइज अलादीन, वो हकीकत में उसको सरप्राइज करना चाहती थी अलादीन को, क्योंकि उसे क्या पता था कि इसमें मैजिकल पावर है, वो तो यही सोच रही थी ना कि पुराना साइज को देखे, बल्कि उसने नया ले लिया, अच्छा किया उसने। द मर्चेंट क्विकली बिगन टू रब द लैम्प, और जो मर्चेंट था उसने जल्दी से लैम्प को चिराग को रगड़ना शुरू किया। एंड द जीनी वॉज नाउ एट द सर्विस ऑफ द विकमैन, और जो जीनी था अब उसकी सेवा में था शैतान आदमी की, जो स्ट्रेंजर था ना उसके लिए वर्ड यूज़ किया विकमैन, विकमैन मीन्स शैतान, ईविल जो होता है, बेकार आदमी था ना वो, तो उसकी सर्विस में था, उसकी सेवा में था। हु हैड द मैजिक लैम्प बैग, जो कि मैजिक लैम्प वापस ले गया। इन नो टाइम, बिना समय गवाए ही विस्क अवे, बिना समय को गवाए वो वहाँ से चला गया। ऑल ऑफ अलादीन्स पोजीशन एंड सेंड द प्लेस पैलेस एंड द प्रिंसेस टू अननोन लैंड, तो उसने अलादीन के सारे तो अधिकार ले लिए, और उसका महल जो था पैलेस था और प्रिंसेस जो थी उसको अनजान जगह पर ले गया। नो बडी न्यू दैट हैड हैपेंड, कि किसी भी इंसान को पता नहीं था कि क्या हुआ है यहाँ पर, क्या घटना घटी है। अलादीन एंड सुल्तान वर वेरी वरिड, अलादीन और जो सुल्तान थे वो दोनों बहुत ही चिंतित हो गए। बट वर एट देयर विट्स एंड, लेकिन और वो इतने चिंतित हो गए कि उनका दिमाग ने सोचना तक बंद कर दिया, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करें, बहुत चिंता में हो गए कि भाई किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या चीज़ हो गई वहाँ पर। देन अलादीन रिमेंबर्ड द जिनी ऑफ द रिंग, तभी अलादीन को वो रिंग वाला जो जिनी था उसकी याद आई। सो ही रब द रिंग, इसलिए उसने अपनी रिंग को रब किया। एंड इमीडिएटली द जिन अपीयर्ड बिफोर हिम, और तभी हाथों हाथ उसमें से जिनी जो है अपीयर्ड हुआ, दिखाई दिया उसे, उसके सामने आ गया। टेक मी टू द प्लेस वेयर द विक्ट मैन हैज़ हिडन माई वाइफ, मुझे उस जगह पे ले चलो जहाँ पर उस शैतान आदमी ने मेरी वाइफ को छुपा रखा है। ही ऑर्डर्ड द जिनी, उसने जिनी को आदेश दिया। इन अ सेकेंड, कुछ ही पलों में ही फाउंड हिमसेल्फ इनसाइड हिज ओन पैलेस, उसने अपने आप को अपने महल में पाया, उसी महल में पहुंचा दिया उस जीनी ने उसको। ही एडेड अ पाउडर क्वाइटली इन टू द विक्ट मैंस टी, उसने एक पाउडर चुपचाप से जो शैतान आदमी था उसकी चाय में मिला दिया। एंड एज सून एज ही सिप द टी, और जैसे ही जल्दी से उसने उसको पिया, चाय को सिप ली उसने, घुट पिया उसने उसका। ही फेल इन टू अ डीप स्लीप, वो एक गहरी नींद में चला गया। अलादीन फाउंड द लैम्प एंड रब्ड इट क्विकली, अलादीन ने लैम्प को चिराग को ढूंढा और उसको मिलते ही उसने उसको जल्दी से रब किया, रगड़ा। यस मास्टर, हाँ आका, आई एम एट योर कमांड, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ।
वॉट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आस्क द जिनी विद अ स्माइल, जिनी ने उसे मुस्कुराते हुए पूछा। पुट दिस विकेड मैन इन चेन्स एंड सेंड हिम फॉर अवे वेयर ही'ल नेवर बी फाउंड अगेन, इस आदमी को यानी इस शैतान आदमी को चेन में बांध दो और इसको एक ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर भी ये कभी भी नजर ना आए, मुझे कभी दिखे नहीं। द जिनी डिड एज ही वॉज ऑर्डर टू डू, जिनी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उसने कहा था। एंड सो द विक मैन वैनिश, और जो विक मैन था इस तरीके से गायब हो गया, डिसअपेयर हो गया। नाउ अलादीन सेड, अब अलादीन ने कहा, टेक माई वाइफ एंड मी, मुझे और मेरी वाइफ को ले चलो, एंड द पैलेस बैक होम, और महल को भी वापस अपनी जगह पर ले चलो, अपने घर पर ही ले चलो जहाँ पर थे। एज यू ऑर्डर सर, जैसा आप कहें आका, रिप्लाइड द जिनी, जिनी ने जवाब दिया। एंड सो इन अ फ्लैश, और पलक झपकते ही द पैलेस रोज इन टू द एयर, जो महल था वो हवा में उठ गया। एंड स्पेड ओवर द सुल्तान्स किंगडम, और जल्दी से तेजी से सुल्तान के साम्राज्य में पहुंच गया। द इट जेंटली केम डाउन टू अर्थ, धीरे से उस अर्थ पे आया, धरती पे आया। एंड लैंडेड ऑन इट्स ओल्ड साइट, और जो उसकी पुरानी जगह पे थी वहीं पर वो ज़मीन पर रख दिया, वहाँ पर ही पहुंच गया वो। एंड देयर फॉर, और इस तरह अलादीन एंड हालिमा लिव्ड हैप्पीली, अलादीन और उसकी जो वाइफ थी हालिमा वो खुशी खुशी रहने लगे। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे और होता है विद एक्सप्लेनेशन, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, ये चैप्टर इंटरेस्टिंग सा था। सो आप लोग भी इसे एक बार रीड करके देखिएगा ताकि आप इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो इसका जो PDF है वो सेंड कर दिया जाएगा ताकि आप इसकी जो बैक एक्सरसाइज एंड डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आप इसके कर सकें। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।